दुर्भाग्यजनक एक घटना क्रम सामने आया है जहां एक मुस्लिम परिवार तथा गांव के अन्य व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हुआ है, जिसमें 5 लोगों को सामान्य चोटें हैं, दूसरे पक्ष के भी 2 लोगों को चोटें जानकारी में आई हैं। चौकी कंपेल में केस कायम किया गया है। अपराध की प्रकृति, चोटों की प्रकृति को देखते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई है, साथ ही सभी पक्षों के विरुद्ध प्रतिबंधक कार्रवाई कर बाउंड ओवर कराया जा रहा है। क्या विवाद सामने आया है? अभी जो पता लगा है, चूंकि प्रकरण कायम हुए हैं, कल रात की घटना है, देर रात को कायम हुई है, अभी प्रकरण विवेचना में, जो प्रथम दृष्टया पता लगा है कि शायद एक पक्ष की तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद के लिए कुछ पैसे दिए गए, उस बात को जैसा कि वो बताते हैं उस बात को लेकर दोनों पक्षों का विवाद हुआ और आपस में एक सामान्य सी मारपीट हुई है। दुर्भाग्यजनक है कि एक घटनाक्रम जो सामान्य घटनाक्रम है उसको दो धर्मों के लोगों के बीच का झगड़ा बता के उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। एक सामान्य विवाद है जो एक परिवार तथा दूसरे पक्ष के बीच है। गांव में पूरी तरह से शांति है, पहले भी वो गांव में रहते थे, आगे भी सभी लोग शांति से गांव में रहेंगे। पुलिस के द्वारा जैसे ही उसकी जानकारी में आया, एडिशनल SP DSP हेडक्वार्टर ना केवल अस्पताल पहुँचे बल्कि मौके पर पहुँचे। थाना प्रभारी संयुक्तागंज को तत्काल संयुक्तागंज भेजकर जो घायल थे उनके इलाज की व्यवस्था कराने के लिए कहा गया। हालांकि सभी की चोटें सामान्य प्रकृति थी और प्राथमिक उपचार के बाद सभी अपने घर पर चले गए। पक्ष का ये कहना है कि पहले भी 3 महीने से हमको खाली कराने का मैं इस, का अभी मैं इस बार खाली किया जा रहा है। ये जैसा कि मैंने बता चुका कि एक जो घटनाक्रम है उसमें एक परिवार है, दूसरे पक्ष हैं। जहाँ तक ये कहना कि 3 महीने से बता रहे हैं, अभी तक किसी भी स्तर से, चाहे व्यक्तिगत स्तर से उस परिवार के द्वारा या समाज के स्तर से, किसी अन्य स्तर से, शायद आपकी भी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई होगी, तो ये कहना आज की स्थिति में कि 3 महीने से उनको धमकाया जाता था, वो कम से कम मेरी जानकारी में या मेरे पास किसी स्तर से नहीं आई है। पहले भी वो गाँव में रह रहे थे।